सावधान किसान भाइयों से अपील है कि खेती बाड़ी में यदि मशीन थ्रेसर का उपयोग कर रहे हैं गेहूं दवाई के लिए, तो जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। अपने अंग हाथ को बचाकर ही मशीन थ्रेसर का उपयोग करें। सावधान सतर्क रहें। नमस्कार, वेदांत यात्रा में आपका स्वागत है। जी हाँ, आज हम आपको न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस का नज़ारा आपको दिखाने जा रहे हैं, जहाँ आपको बताते चलूँ कि यह न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे एक्सप्रेस वेस्ट बंगाल से चलकर 8:15 पर वेस्ट बंगाल न्यू जलपाईगुड़ी जिला से चलती है और यह सीधे राजस्थान उदयपुर के लिए जाती है, जो कि 2200 किलोमीटर यात्रा पूरी करती है यह तीसरे दिन। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ लालचंद सोनी। आप को दोस्तों मैं आज लखनऊ से चलकर और कुछ स्टेशनों का नज़ारा आपको दिखाने जा रहा हूँ, जहाँ आप देख सकते हैं कि उदयपुर राजस्थान जाने वाली न्यू जलपाईगुड़ी सुपर फास्ट एक्सप्रेस, जो यह ट्रेन वेस्ट बंगाल से चलकर लखनऊ, हापुड़, गाजियाबाद, दिल्ली से गुड़गांव, जयपुर, अजमेर होते हुए और सीधे उदयपुर रेलवे स्टेशन पहुंचती है। यह लगभग 4 बजे उतार देती है और लगभग यह वेस्ट बंगाल से 2200 किलोमीटर दूरी पर यह सफ़र तय करते हुए राजस्थान उदयपुर सिटी पहुंचती है। वेस्ट बंगाल से होते हुए बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान यानी भारत के 5 राज्यों की सफ़र यात्रा करते हुए लंबी यात्रा तय करती है या सीधे जो है उदयपुर राजस्थान के लिए। तो यह जलपाईगुड़ी 2200 किलोमीटर लगभग है, जो कि वेस्ट बंगाल से या जिला है वहाँ से चलकर इसी के नाम से ट्रेन की नाम रखा गया है, जो कि मुझे यह थोड़ी दूर के सफ़र का यात्रा के साथ साथ आपको यह दिखाना चाहते हैं कि कितनी भीड़ है और बस सिर्फ एक ही गाड़ी यहाँ से आती है और एक हफ्ते में 2 बार यह जो है आना और जाना रहता है। यह ट्रेन लंबी यात्रा पर होते हुए भी इतनी भीड़ होती है कि वेस्ट बंगाल से दिल्ली तक खचाखच भरी होती है, चाहे जनरल डिब्बा हो या रिजर्वेशन हो, सब एक बराबर होता है। लेकिन लोगों का मजबूरी है यहाँ पर आने जाने के लिए, और यह मजबूरी इसलिए है कि जब जनरल डिब्बे में इतना भीड़ हो जाती है तो वह रिजर्वेशन में जाना तय समझते हैं। बहुत से लोग जो है वेटिंग का टिकट भी नहीं लेते हैं और वह वेटिंग का टिकट साधारण टिकट लेकर चले जाते हैं। टीटी आने पर जो है वह जो है अपनी जो है चालान कटाते हैं और टिकट लेते हैं, तब जाके उनका जो है वहाँ तक सफ़र तय होता है। तो यह वेस्ट बंगाल से जब दिल्ली पहुँचती है तो थोड़ा सा जो है हल्का हो जाता है भीड़ भाड़, लेकिन भीड़ तो रहती ही है यहाँ तक का, तो दिल्ली तक तो इतना भीड़ होती है कि लोगों को हालत ख़राब कर देती है। चाहे सामान डिब्बा हो या सामान रिजर्वेशन हो, सभी जो है लोगों की हालत जो है दर से बदतर होती है। यहाँ पर अनेक गाड़ियाँ और चलानी चाहिए, जैसा कि आपको बता दूँ कि वेस्ट बंगाल से दिल्ली, ताकि लोगों को एक ही जो है गाड़ी और हफ्ते में 2 बार का सहारा ना बनना पड़े और अधिक भीड़ भी जो है ना हो। यदि जो है बहुत से लोग होते हैं वह अधिक पैसे लेकर नहीं चलते हैं, तो जनरल में देखते हैं कि भीड़ ही भीड़ है और जाने का मौका ही नहीं मिलता, अंदर बैठने का व्यवस्था ही नहीं है, तो रिजर्वेशन में हल जाते हैं और फिर जो है अपना वेटिंग का टिकट लेते हैं। बहुत से लोग लेते नहीं हैं, तो जो नहीं लेते हैं उन्हें चालान देना पड़ता है, उन्हें एक्स्ट्रा पैसे जो है भरना पड़ता है। तो यह जैसा भी दिख रहा है, भारत सरकार को इसको विशेष रेलवे मंत्रालय को देखना चाहिए कि अधिक भीड़ होने की वजह से लोगों को जो है 1-2 गाड़ियां और चला देनी चाहिए, जैसा कि यह वेस्ट बंगाल न्यू जलपाईगुड़ी से इतना भीड़ क्यों होती है। तो आइए हम सभी लोग यात्रा में हैं और यात्रा का सफ़र में मज़ा लीजिए, और मज़ा क्या लीजिए, इतना भीड़ है और इस भीड़ में
में लोगों का हालत बहुत ही खस्ता है, बहुत ही जो है नाजुक बना है। इतना भीड़ था कि हम इस पर जब तक थे तो खड़ा ही खड़ा मुझे आना था। मुझे खैर दो तीन चार मतलब उत्तर प्रदेश लखनऊ से और गाज़ियाबाद तक ही सफ़र करना था, लेकिन इतनी भीड़ होने की वजह से लोगों की हालात, मेरी हालात और खड़े खड़े आकर पूरा सिर और पूरा जो है शरीर दर्द से भर गया, क्योंकि कब तक खड़े रहना उचित समझेंगे। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर और अधिक लंबा जाना है 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर तो हालत तो खस्ता हो जाता है खड़े खड़े में। तो जब भीड़ हो इतना तो मारा मारी कितना होती है। तो इसका विशेष रेल मंत्रालय को रखना चाहिए और वृतांत यात्रा आज सुबह टाइम्स आप सभी को यह खबर बताने की कोशिश कर रहा है कि आखिर में रिजर्व जब जनरल बोगी भर जाती है तो रिजर्वेशन में लोगों को हालत जब दर से बदतर होता है, जब इतनी भीड़ होती है तो लोगों को हालत क्या बनी होगी। तो आप समझ सकते हैं कि लोग जो है 2200 किलोमीटर यात्रा तय करते हैं, न्यू जलपाईगुड़ी से वेस्ट बंगाल की तरफ से चलकर जो है बताते हैं 8:15 पर जो है चलती है और यह जयपुर में 4 बजे लगभग में तीसरे दिन छोड़ देती है। तो आप सोच लीजिए कि यह 6 7 8 आज 8 तारीख है और 8 तारीख और जो है 4 बजे जो है सुबह ही छोड़ देती है। तो लोगों को आने जाने में काफ़ी जो है सामान्य बात तो लगती है, लेकिन भीड़ भाड़ अधिक होती है तो लोग जो है बहुत ज़्यादा जो है सहम जाते हैं। बहुत ज़्यादा लोग जो है बिजनेसमैन वाले या नौकरी पेशा वाले बहुत अधिक जो है परेशानी में हो जाते हैं। लोग जो है यदि इस यात्रा से वेस्ट बंगाल से अगर राजस्थान उदयपुर तक का आप सफ़र कर लिए तो आप सो लीजिए 3-4 दिन आप सोते रहिए, आराम करते रहिए, क्योंकि तभी जाकर आपका जो है शरीर सही होगा। तो जैसा आप समझ रहे हैं कि रिजर्वेशन हो या जनरल हो या सभी का कहना है कि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, रिजर्वेशन में भी होती है, लोग जो है चालान कटवाने के लिए टीटी से लोग जो है बेताब हो जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले अपना स्वास्थ्य तब उसके बाद जो है पैसा बचाव होती है। तो अपने स्वास्थ्य की देखभाल के लिए लोग जो है जनरल छोड़कर जो है रिजर्वेशन में जाते हैं तो वहाँ पर जो है चालान तो देना ही पड़ेगा। जो रूल और रेगुलेशन बनाया गया है उत्तर जो है भारतीय रेलवे बोर्ड ने, उसका तो आपको देना ही होगा। तो बहुत से लोग दे देते हैं, बहुत से लोग घबरा जाते हैं, बहुत से पास पैसे नहीं होते, हालात पांचों उंगली बराबर नहीं होता कहने का मतलब है। तो लोगों के हालात जिस तरह से देखने मिलता है कि खैर इतनी दूर से आकर या जो है वेस्ट बंगाल से उदयपुर जाने वाली यात्रा के साथ साथ थोड़ी थोड़ी यात्रा किया जाए तो भी काफ़ी जो होगा। तो यहाँ से वेस्ट बंगाल से न्यू जलपाईगुड़ी दिल्ली तक चलाना चाहिए, दिल्ली के बाद जो है फिर दूसरी गाड़ी, तो इधर राजस्थान के लिए बहुत सारी गाड़ियाँ आती ही है तो इसका भी देखभाल लोगों को करना चाहिए। इकट्ठा यात्रा नहीं करनी चाहिए, इतनी लंबी सफ़र यात्रा जो है बहुत से लोग करते हैं कि पैसे बचा होगा, समय का बचा होगा, इसलिए इतनी लंबी दूरी करते हैं। तो एक जो है ट्रेन नहीं होनी चाहिए, लगभग 2-3 ट्रेनें होनी चाहिए जिससे कि भीड़ भाड़ जो है बचा जा सके और लोगों को भी काफ़ी आने जाने में यात्रा करने में जो है दिक्कत का सामना ना करना पड़े। हालात जिसका आप देख सकते हैं, तो वेटिंग में था वह जो है हालत ख़राब होकर ही भीड़ भाड़ सामान जनरल में जाना और डिब्बे में रिजर्वेशन में या बहुत बड़ा समस्या बन जाती है। तो आप देख रहे हैं आज सुबह टाइम्स जो है टीम लखनऊ से चढ़कर लखनऊ जो है वेस्ट बंगाल से चलकर लखनऊ पहुंचती है 3:15 पर और या 3:15 पर हम और हमारे और लोग साथी यहां पर लंबी यात्रा के लिए चढ़े और सीधे राजस्थान उदयपुर के लिए प्रस्थान किए हैं। तो आप देख सकते हैं कि 2200 किलोमीटर यात्रा कर और या न्यू जलपाईगुड़ी सुपर फास्ट ट्रेन
जो है उदयपुर सुबह 4 बजे छोड़ देती है। तो लंबी ट्रेन, लंबी सफ़र, लंबी भीड़ आप देख सकते हैं, और यह हम सभी को देखने लायक है कि हम सभी लोग इसके लिए विशेष कदम उठाने चाहिए भारत सरकार, रेल मंत्रालय को, कि इतनी भीड़ में यदि लोग चल रहे हैं तो कुछ ना कुछ परेशानियों का आप समस्या देख सकते हैं। और आज जब सामान्य में इतनी भीड़ है तो सामान्य से जब ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो लोग जो है रिजर्वेशन में भागना शुरू कर देते हैं, उसमें अधिक पैसा देना पड़ता है और समस्या वही होती है जैसे कि सामान्य जनरल डिब्बे में है, वही हालात इसमें भी होती है और राहत कुछ नहीं मिलती है। लेकिन यदि जो नियम है, निर्देश है रेलवे का, वह तो आपको देना ही होगा। तो यही सब देखते हुए हम आज आपको यह दिखा रहे हैं कि लंबी यात्रा न्यू जलपाईगुड़ी सुपर फास्ट वेस्ट बंगाल से चलकर सीधे 5 राज्यों को जो है वोट करते हुए सीधे राजस्थान उदयपुर पहुंचती है सुबह, और यह कई होते हुए भीड़ भाड़ अधिक जो है देखते हुए विशेष यात्रा वृतांत यात्रा में आपका बस यहीं तक। आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन कि आप हमारे चैनल आप देखते हैं और हर मुद्दे पर आपको बताते हैं। फिर हम आपसे मिलते हैं वृतांत सेवा में और अनेक जनरल बातों को लेकर हम आपके से हाजिर होते हैं। फिर आपसे मिलते हैं किसी मुद्दे साथ, तब तक अपना ख्याल, परिवार, देश का ख्याल रखें। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।